हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जोशीना। आज मैं फिर से एक चैलेंज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फिर मैं आज ट्राई करने वाली हूँ 7 डेज के लिए राइस फेस मास्क चैलेंज। ये मैं करने वाली हूँ, जो आप लोगों ने शायद देख ही रखा होगा वीडियो, कोरियन राइस फेस मास्क का जो बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो फिर मैं वही 7 डेज के लिए मैं ट्राई करने वाली हूँ उस मास्क को। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निखर के आता है, कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह है कि नहीं, एक इंडियन स्किन में सूट करता है कि नहीं। तो ये मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फिर इस वीडियो का आप लोग प्लीज आखिर तक देखना, वॉच करना। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। चलते हैं पहले दिन पर। राइस फेस मास्क को बनाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए पका हुआ राइस। आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी डाला है मिक्सर ग्राइंडर में। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 चम्मच के बराबर रॉ मिल्क, आप देख सकते हैं। और फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी का पानी ऐड करूंगी, जिससे कि ये पेस्ट एकदम स्मूथ बन सके। तो फिर मैं ये पानी डालने के बाद इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसको कटोरी में डाल दूंगी। और फिर मैं इसमें आधा चम्मच हनी ऐड करूंगी। आधा चम्मच इसलिए क्योंकि मेरे को हनी से थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्ने ब्रोंस वगैरह हो जाता है, इसलिए मैं आधा चम्मच डालूंगी। आप लोगों को पूरा 1 चम्मच डालना है हनी। और ये हनी मेन इंग्रेडिएंट में पड़ता है, इसलिए ही मैं इसको डाल रही हूँ, वरना मैं इसको स्किप कर देती। तो फिर ये डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और फिर ये तैयार हो जाएगा पूरा रेमेडी। और अभी रात हो चुकी है, तो मैं इसको आज से मैं शुरू नहीं करूँगी, मैं कल से स्टार्ट करूँगी। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप इसको कई दिनों तक फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं इस रेमेडी को। तो मैं वैसा ही करूँगी, कल से मैं स्टार्ट करने वाले। तो आज डे 1 है, तो मैं बिना मेकअप के ऐसे दिखती हूँ, आप लोग देख लीजिए मेरा फेस। तो फिर अभी मैं अपने फेस का स्क्रीन शॉट ले लूँगी। तो इसे लगाने से पहले मैं फेस वॉश करूँगी। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। फेस वॉश करके आती हूँ इधर। तो फिर मैं तो अभी मैं फेस वॉश करके आ गई, तो मैं अभी मुंह पोछ रही हूँ। तो हो गया मेरा फेस वॉश करना, अभी मैंने मुंह में पोछ लिया, अभी मैं रेमेडी को लगाऊंगी। मैंने ना बालों में ये लगाया, नहीं तो बालों में लग जा रहा था इसलिए। तो मैं अभी रेमेडी को लगाऊंगी हाथों से। तो फिर अभी मैं टाइमर ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर इतना बचने के बाद मैं मुंह धो लूँगी। तो फिर ये ख़त्म हो गया ये टाइमर, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। तो फिर अभी जाके मैं मुंह धो लेती हूँ। तो फिर मुंह धोने के बाद यहीं पर मिलता है, फिर दिखाऊंगी कि एक दिन में कितना फर्क दिखता है। तो मैं धो लिया पूरा फेस, आप देख सकते हैं ब्राइट लग रहा है मेरा फेस, ग्लो कर रहा है एकदम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, मेरे को तो अच्छा लगा। फिर देखते हैं कि 7 दिनों तक ट्राई करके कि कैसा रिजल्ट आता है आखिर में, वही देखने में मज़ा आएगा। तो फिर बनी रहिए मेरे साथ। तो ओके, आज 2nd डे है, तो अभी मैं फेस वॉश कर लूँगी। ये है फेस वॉश, तो अभी जा रही हूँ मैं करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी आ चुकी हूँ फेस वॉश करके। तो फिर अभी मैंने डायरेक्ट एकदम पैक लगाना स्टार्ट कर दिया है। पैक लगाना हो गया, तो अभी मैं टाइमर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो मैंने टाइमर लगा दिया है, तो फिर टाइमर ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। तो ओके, तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको धो डालूंगी। तो फिर धोने के बाद मिलते हैं।
और मैंने फेस को धो लिया है, तो आज का ये रिजल्ट है, तो फिर कल मिलता है। तो फिर आज इस चैलेंज का तीसरा दिन है, तो यहाँ पर एक पिंपल हुआ है मेरे को, और यहाँ पर और एक हुआ है, दो थे और एक यहाँ पर हुआ है, तो चार हो गए, और यहाँ पे एक बड़ा हो गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज तीसरा दिन है, तो फिर मैंने फेस वॉश कर लिया है पहले ही, तो अभी मैं पैक को लगाऊंगी फेस में। तो मैंने लगा लिया है, तो अभी मैं टाइमर ऑन करूंगी। कर दिया, तो फिर 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देख सकते हैं टाइमर खत्म हो चुका है, तो अभी मैं मुंह धो लूंगी, फिर मिलते हैं मुंह धोने के बाद। तो मैं अभी मुंह धो के आ चुकी हूँ, ये है तीसरे दिन का रिजल्ट। तो फिर अभी मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, तो फिर कल मिलते हैं, बाय। आज day 4 है, तो मैंने अभी तक फेस वॉश नहीं किया है, तो मैं पहले फेस वॉश कर लूंगी। फेस वॉश करने के बाद मैं फेस पैक को लगाऊंगी। अभी मैंने फेस वॉश कर रही, आप देख सकते हैं, मैंने पैक को लगाने के बाद मैंने वीडियो करना स्टार्ट किया था, तो मेरा पैक लगाना हो चुका है। तो अभी मैं, आप देख सकते हैं, टाइमर लगा रही हूँ, टाइमर कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। तो कि टाइमर ऑफ हो चुका है, तो अभी मैं धो लूंगी फेस को, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ फेस को धोने के लिए। तो मैंने धो लिया, तो है आज का रिजल्ट, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, तो आज day 4 है, तो मैंने फेस वॉश नहीं किया अभी तक, तो मैं अभी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लूंगी, उसके बाद मैं फेस पैक को अप्लाई करूंगी अपने फेस में। तो अभी मैं फेस पैक को लगा रही हूँ, तो मैं पूरे फेस में अच्छी तरीके से फेस पैक को लगा लूंगी। मेरा फेस पैक लगाना हो चुका है, तो आप देख सकते हो मैंने टाइमर लगा दिया है, टाइमर खत्म होने के बाद मिलते हैं। तो धो रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैं धो लूंगी पूरी तरीके से। तो मेरा हो चुका है धोना, तो अभी पूछ रही हो, ये आज का रिजल्ट है, तो फिर कल मिलते हैं। तो आज day 6 है, तो मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है, तो अभी मैं पैक लगा लूंगी, तो फिर लगाती हूँ अभी। तो अभी मैं टाइमर लगाऊंगी, तो लगा दिया मैंने टाइमर, तो फिर टाइमर ऑफ होने के बाद मिलते हैं। आप समझ सकते हैं, मेरा टाइमर खत्म हो चुका है, तो अभी जाके मैं फेस धो के आती हूँ इधर। तो मैं मुंह धो के आ चुकी हूँ, ये आज का रिजल्ट है, तो फिर कल मिलते हैं। तो आज day 7 है, तो मैंने पहले ही फेस वॉश कर लिया था, तो अभी मैं पैक लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इस पैक को लगा रही हूँ पूरे फेस में। तो मैंने अभी टाइमर लगा लिया है, तो फिर 15 मिनट के बाद मिलते हैं, बाय। तो ओके, आप सुन सकते हैं, टाइमर ऑफ हो चुका है, तो फिर अभी जाके मैं फेस धो लेती हूँ। तो मैं फेस धो के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया है मेरे फेस पर, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट थे वो कम हो चुके हैं, और जो पिंपल थे वो अभी कम हो चुके हैं, अभी भी है पर कम हो गया है थोड़ा सा। काम करता है ये मास्क, आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, मेरे को पसंद आया बहुत ही। तो फिर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बिफोर आफ्टर का जो इमेज है वो एकदम स्क्रीन में लगा दूंगी, तो फिर आप उसको देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर,
आज का ये पूरा वीडियो यहीं पर बंद होता है। बाय।